नमस्कार। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और जिस लंदन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहां पर सुबह के 8 बज रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही हैं वेस्टमिंस्टर के ठीक बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और आपको बताते चले कि दुनिया भर से तमाम बड़े मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर रात भर लगातार जारी रहा और अब सभी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब इसी वेस्टमिंस्टर से पार्थिव शरीर उनका निकाला जाएगा। और यहां पर आपको बताते चले सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किस तरह से आज ये पूरा का पूरा हिस्सा एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर इसी ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर लिसेस्टर शहर में आपको बताते चले एक मंदिर पर हमला किया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से मंदिर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है और इसी कारण से दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। यकीनन जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ब्रिटेन के लिसेस्टर शहर में जमकर बवाल चल रहा है। मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और मंदिर के ध्वज को भी जला दिया है। अब वो किस मकसद से आए थे, वो क्या करना चाहते थे, बड़ा सवाल है। यकीनन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन मंदिर के ध्वज को जला दिया गया। पुलिस ने जो जानकारी दी है, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला किया, इसके साथ ही हिंदुओं की संपत्ति को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद सड़क पर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो मेल्टन रोड पर स्थित मंदिर का है। वायरल वीडियो में मंदिर के पास बड़ी संख्या में पुलिस भी नजर आ रही है। लिसेस्टर पुलिस का कहना है कि वो हंगामे से निपटने की पूरी कोशिश में है। तभी एक शख्स मंदिर के ध्वज तक पहुंच गया और पुलिस फिलहाल पूरे मामले के तफ्तीश में लगी हुई है। लिसेस्टर शहर में ये जबरदस्त बवाल हुआ है और यकीनन बहुत सारे सवाल, क्योंकि एक तरफ आपको बता दे इसी ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में यूके में जहां महारानी एलिजाबेथ को अंतिम विदाई दिए जाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, जरा सुनते हैं एक बार। ये तस्वीरें आपने देखी और यकीनन इस खबर ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है और इसी वजह से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो नाराज भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का क्या था मकसद, इसको लेकर तफ्तीश लगातार की जा रही है और वहां पर कोशिश इस बात की भी है कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। और अब आ जाते हैं महारानी क्वीन एलिजाबेथ की खबर पर। आपको बताते चले आज पूरा का पूरा लंदन का यह हिस्सा गमगीन है। कॉमनवेल्थ देशों से भी प्रतिनिधियों की बड़ी तादाद में यहां पर मौजूदगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर हमारे खुद हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो सब यहां पर मौजूद हैं आखिरी विदाई के इस क्षणों के गवाह बनने के लिए। और आज की इस तारीख में एक बड़ा इतिहास ये यूनाइटेड किंगडम रचने जा रहा है। आपको बताते चले 70 सालों तक इस पूरे मुल्क पर राज करने वाली महारानी की अंतिम विदाई के समय किस तरह की स्थितियां बदलेंगी, कैसे यहां पर परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के भी किए गए हैं कड़े और बड़े इंतजाम। ये रिपोर्ट बुजुर्ग होकर मर गए। जहां मकान थे वो खंडहर हुए, खंडहरों पर लोग बस गए, न जाने कितने ताज उछाले गए, न जाने कितने तख्त गिराए गए। 70 बरस
बहुत लंबा समय होता है, इसीलिए उतना ही भव्य है, उतना ही विशाल है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार। 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर लंदन में, यूके में, बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह की उनकी छवि रही है। और यही कारण है कि महारानी को नमन करते हुए सभी लोग उनको गमगीन होकर याद कर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की तैयारियां भी कर रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई में विश्व के कई नेता, राजघराने और अन्य वीआईपी शामिल होंगे। लंदन में महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले मेहमानों की एक लिस्ट सामने आई है। महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 500 लोगों को आने की इजाजत मिली है। 7 दशकों बाद शाही परिवार में यह ऐसा क्षण है जब इतने बड़े पैमाने पर लोग यहां जुटे हैं। ये मौका खास है, इसलिए मेहमान भी खास हैं और उनके लिए शाही परिवार की तरफ से जारी किए गए निर्देश भी खास हैं। मसलन अंतिम संस्कार स्थल तक सभी मेहमानों को बस से ही आना होगा। लंदन पहुंचने के बाद मेहमानों को पश्चिमी लंदन तक बस से लेकर जाया जाएगा। महारानी को दफनाने की सभी रस्मों रिवाज वेस्टमिंस्टर एबे में होंगे। इन तस्वीरों को देखिए, महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता उमड़ा है। हर पैर उधर ही मुड़ गए हैं जिधर महारानी का पार्थिव शरीर रखा है। हर आंख नम है अपनी महारानी को अंतिम विदाई के लिए। लंबी लंबी कतारों में लोग जहां तहां खड़े हैं। इस बीच दुनिया भर के राजनेता महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। अंतिम संस्कार का आयोजन ब्रिटेन के ऐतिहासिक चर्च लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। ये वही जगह है जहां ब्रिटेन के राजाओं और रानियों को ताज पहनाया जाता है। समारोह लगभग 2 घंटे तक चलेगा। इस दौरान भिगुल बजाकर महारानी को अंतिम विदाई भी दी जाएगी। महारानी के अंतिम संस्कार के समय पूरे ब्रिटेन में 2 मिनट का राष्ट्रीय मौन रहेगा। लंदन से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। 70 बरस कम नहीं होते हैं। 70 सालों तक आप जरा सोचिए, राजशाही का यहां पर चलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। क्वीन की छवि ऐसी थी कि लोग उनको प्यार करते थे और यही कारण है कि समय समय पर इस राजशाही सत्ता को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन क्वीन की छवि के आगे वो तमाम सवाल हमेशा नतमस्तक हो जाते रहे। ये 70 साल, जब 25 साल की उम्र में उस गद्दी पर बैठे और 96 साल की उम्र में उस गद्दी को छोड़ा, जरा सोचिए, एक पीढ़ी जो पैदा हुई, जवान हुई, बुजुर्ग हो गई, उस पीढ़ी ने भी अपनी आंखों से देखा है क्वीन के इस शासन को। लेकिन इन सब के बीच किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सबसे पहले आपको सुबह की तस्वीर दिखाते हैं। आपको बताते चले, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बेहद जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और किसी की भी आवाजाही यहाँ पर फिलहाल रोक दी गई है। आपको बताते चले कि कल यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी, लेकिन रात में जो ग्रीन रिस्ट बैंड दिया जा रहा था अंदर वेस्टमिंस्टर में जाकर और उनके दर्शन करने के लिए, उसको रात को 3 बजे क्लोज कर दिया गया। इस वजह से 3 बजे के बाद फिलहाल किसी ने भी अंदर जाकर महारानी के दर्शन नहीं किए। और यहाँ पर आप देखेंगे, लोग अंदर जाने की कोशिश के तहत यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं। कुछ ही देर के बाद यही वो रास्ता है जहां पर, जहां से होता हुआ उनका पार्थिव शरीर उस दूसरे हिस्से में पहुंचेगा जहां पर महारानी क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। यकीनन आज की तारीख में ग्रेट ब्रिटेन एक इतिहास भी बनाने जा रहा है और इसी के साथ यहां की सत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे। लेकिन मैंने कुछ घंटों पहले जब यहां पर रिपोर्टिंग की थी, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे अपनी महारानी की एक झलक पा लेने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। मेरी ये रिपोर्ट देखिए।
आइए दूसरी तरफ आप दिखाइए, देखिए क्वीन एलिजाबेथ की किस तरह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत सारी यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स और इस तरह की फोटो लगा दी गई है। आपको बता दें ये टेम्स नदी है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी लंदन आता है वो यहाँ पर आना बिल्कुल नहीं भूलता और क्रूज के जरिए यहाँ की सवारी करना नहीं भूलता, क्योंकि यही दिल है इस पूरे की पूरे लंदन का और यहाँ से लंबी लंबी कतारों में होते हुए लोग जा रहे हैं। अखिल प्लीज यहाँ पर आइए जल्दी से। दिस इज ये मिलेनियम ब्रिज है, बहुत पॉपुलर है वॉक करने के लिए एंड बहुत लोग फोटोज देखने के फोटोज लेने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। सॉरी मैं हिंदी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अंदर जब लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए कितनी देर तक उनको रुकने दिया जा रहा है? लाइक 13 वॉक, मतलब जा रहे हैं वॉक जा रहे लाइक 13 to 14 आवर्स, लाइक मोर देन 13 to 14 आवर्स है। अभी वो लाइन बंद किया था बिकॉज टुमारो मॉर्निंग सुबह 10 बजे लाइक इट्स द एंड ऑफ। अभी मतलब आप ये कह रहे हो ये जो ग्रीन और ऑरेंज बैंड दिया जा रहा था अब वो नहीं दिया जा रहा है, बंद कर दिया गया है क्योंकि पहले से ही बहुत लंबी कतार है। ये बिकॉज दे आर गोइंग ओ टुमारो मॉर्निंग 3 o'clock स्टॉप कर रहे हैं, इसकी वजह से अभी 3-4 किलोमीटर तक लाइन है, इसको कवर करने के लिए पूरा की पूरा बंद किया था ये ने? बंद कर दिया गया है। तो आपने सुना अखिल जैसा कि बता रहे हैं चूंकि 3-4 किलोमीटर दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए जिसी को एंट्री के लिए अंदर क्वीन एलिजाबेथ के दर्शन करने के लिए जो ऑरेंज और ग्रीन बैंड दिया गया है अब उसको देना बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले से ही जो लोग कतारों में लगे हुए हैं पहले ये दर्शन कर पाए। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है अपनी क्वीन की अंतिम विदाई को लेकर, लेकिन लोगों का प्यार उनके लिए लगातार उमड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे चूंकि अब उनको इजाजत नहीं दी जाएगी, बिना बैंड के अंदर आप वेस्टमिंस्टर हॉल में जहां पर उनका पार्थिव रखा गया है वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो ये आखिरी विदाई का वक्त है, अपनी महारानी को सभी याद कर रहे हैं और यकीनन जिस तरह का प्यार इस वक्त उमड़ रहा है लंदन के अलग अलग हिस्सों में वो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक नई कहानी, नया इतिहास, ये पूरा का पूरा हिस्सा रचता हुआ। चित्रा त्रिपाठी, लंदन आज तक। बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद वो तस्वीरें भी आने शुरू हो जाएंगी जब आप देखेंगे कि एक महारानी जब विदाई लेती हैं तो किस तरह से राजशाही अंदाज के साथ उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर लोगों की मौजूदगी होगी। 500 वो गणमान्य लोग हैं जो अलग अलग देशों से यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन आपको बताते चले चूंकि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, या तो आप मेट्रो की सवारी करके यहां तक पहुंच सकते हैं या तो यहां की जो बसें हैं सरकारी उससे आप पहुंच सकते हैं। जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है वहां पर भी प्राइवेट गाड़ी लेकर कोई नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तमाम लोगों के जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं राष्ट्राध्यक्ष उन सभी को ये बताया गया है कि आप प्लीज यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही को ही फॉलो करें और उसी से आने जाने की कोशिश करें। एक बार फिर से यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए मेरे ठीक पीछे किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर इसी राह से होते हुए बस कुछ ही पलों में आप देखेंगे महारानी क्वीन एलिजाबेथ का जो पार्थिव शरीर है वो जाएगा।